हमारे पवन धुआं ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप में पहुंचे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। अरे रंगीला भैया, नमस्कार। नमस्कार। क्या बात है, आजकल दिखते नहीं हो। हम दोस्तों को तो भूल ही गए यार, मैं तो तुम्हारा इंतजार करते रहता हूँ। भाभी जी नमस्कार। नमस्कार भैया जी, आजकल आप दिखते नहीं हो। अरे क्या करें, जब से रंगीला भाई की शादी हुई है तो ये हमें बुलाते ही नहीं है। इधर से गुजर रहा था, सोचा आपके हाथ की चाय पी के चलते हैं। ठीक है ठीक है, ए जाओ चाय बना कर लेकर आओ। जी। तब तक मैं रोशन से बात करता हूँ। और सब बताओ दोस्त, सब ठीक है ना? तेरी याद बहुत आती है। अरे यार, जब से तेरी शादी हुई है तू तो दोस्तों को भूल ही गया यार। पता है हम लोग कितना घूमते थे, मजे करते थे, और जो बगीचे में जाके आम तोड़ते थे ना, वो बहुत ज्यादा याद आती है हमको। अरे यार, लोग सही कहते हैं कि जब शादी हो जाती है ना तो लोग दोस्तों को भूल जाते हैं। तू भी भूल गया यार। ऐसी कोई बात नहीं भाई। देख भाई, आज तू मिलने नहीं आया ना, तो हम सारे दोस्त मिलके ना तुम्हारे घर चले आएंगे धमाल चौकड़ी मचाने के लिए। भाभी जी घर पे है ना? अच्छा ठीक है भाई, खाना खाके तुम सभी दोस्तों से मिलने मैं आ रहा हूँ। पक्का आना जरूर। ठीक है चल, अच्छा मैं चलता हूँ। ए रीना, कहिए जी। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। खाना खाइए ना। खाना खाइए ना जी। बहुत अच्छा बनाई हो। क्या हुआ जी? ए शर्माना और माना छोड़, शादी के 6 महीने हो गए हमारी। जी गजोधर के पापा। ये गजोधर कौन है? आपका और हमारा बेटा। गांव बसा नहीं, नाम पहले रख लिया क्या जी? अच्छा ये बताओ, तुम्हें 2 वाक दिए हैं भगवान ने, दाल से 4 पत्थर निकाल के नहीं फेंक सकती हो? भगवान ने तुम्हें भी 32 दांत दिए हैं, तुम मेरे लिए 4 पत्थर चबा नहीं सकते? हमारी शादी के 6 महीने हुए हैं, तुम्हारा हाथ क्यों खाली है? वो क्या है ना जी, मोबाइल चार्ज पे लगाया है और चार्ज से निकालने के बाद मैं अपने हाथ में लेके रखूंगी। अरे बेवकूफ, तुम्हारे मोबाइल की नहीं, तुम्हारे हाथ की चूड़ी की बात कर रहा हूँ। हाथ क्यों खाली है? क्या फायदा जी, रात को आप उतारी देते हो ना। ए जानू, सुबह सुबह तुम नींबू चाट रही थी, सच में मैं बाप बनने वाला हूँ। वो क्या है ना जी, रात को बहुत दारू पी ली थी इसलिए सर दर्द हो रहा था, इसलिए नींबू चाट रही थी। और वैसे होता तो तुमसे कुछ नहीं है और चले हो बाप बनने।